लो भाई रोहित शर्मा, तुम्हारे और वर्ल्ड कप के बीच में सिर्फ ये एक मैच बचा है। अगर इसको और जीत लोगे तो भाई टीम इंडिया की तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, साथ में कोच कप्तान की और लोगों की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। वरना भाई हमारा तो कार्यकाल पूरा हो ही चुका है, ज्यादा तुम्हारा भी नहीं बचा। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी के पास ये आखिरी मौका है, कुछ बनता हो तो कर लो, वरना भाई बाकियों की तरह हम भी टीम इंडिया को बिना कोई बड़ी ट्रॉफी जितवाए रिटायर हो जाएंगे। अरे कोच साहब चिंता क्यों करते हो, अब की बार ये रोहित शर्मा ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा और इस वर्ल्ड कप जीतने के मौके को अच्छे से भुनाएगा। माना कि हम वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल हार के मौका चूक गए थे, लेकिन यहाँ मार नहीं खाएंगे और अब की बार हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए टीम इंडिया को वर्ल्ड कप हर हाल में जितवाएंगे। वैसे भी मैं तो इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहा हूँ, अगर इस मैच में और मेरा बल्ला चल गया तो अकेले के दम पे अफ्रीका वालों की नींव हिला दूंगा। अगर ऊपर से हमें किसी कोहली जैसे का साथ मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, बल्लेबाजी में हम इनका भूत बना देंगे। गेंदबाजों का तो प्रदर्शन फिर सभी ने देखा है, चाहे हमसे स्कोर छोटा बने या बड़ा, हमारा हर गेंदबाज उसे बचाने के लिए बिल्कुल घायल शेर की तरह लड़ा। इसलिए कोच साहब भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अरे रोहित शर्मा भाई, वैसे तो हमको तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन भाई ये क्रिकेट है, इसमें क्या पता कब कौन सी गेंद किसकी गिल्लियां बिखेर दे। अगर ये सीन तुम्हारे साथ हो गया तो पूरे हिंदुस्तान की जान निकल जाएगी, क्योंकि कोहली और पंत की तो ऐसी फॉर्म चल रही है, इनको खुद को नहीं पता ये ढाई का आंकड़ा छुएंगे या नहीं। फिर तो भाई हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव बचे हैं जो ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। अरे रोहित भाई, इसलिए हमारा थोड़ा मन घबरा रहा है, तुम्हारा सस्ते में आउट होने का डर सता रहा है। अरे कोहली भाई, अब तो करो कुछ, वर्ल्ड कप का आखिरी मैच आ गया लेकिन तुम्हारा बल्ला अभी तक नींद से ना जागा। हाँ, ये पूरा हिंदुस्तान तुमसे हर मैच में शतक की आस लगा रहा है, लेकिन तुम ढाई का आंकड़ा ही किसी किसी मैच में छू रहे हो। अरे आज तो तुम्हारे पास भी बड़ा अच्छा खासा मौका है, अरे दिखा दो अपने असली तेवर, कर दो साबित तुम हो बड़े मैचों के बड़े प्लेयर। अगर आज तुम्हारे बल्ले से कोई 50-60 रन की पारी आ गई तो इस वर्ल्ड कप के बाकी मैचों में तुमने क्या किया क्या नहीं, लोग सब बातों को भूल जाएंगे। अरे कोच साहब, मैं तो इस फाइनल मैच में शतक ठोकने की सोच रहा था, तुमने 50-60 रन की पारी कह के मुझे टारगेट ही बहुत छोटा दे दिया। आज भाई कोई चले या ना चले, लेकिन इस महामुकाबले में कोहली का बल्ला जरूर बोलेगा। बल्ला भी ऐसा बोलेगा हर गेंदबाज का धागा खोलेगा, और ये कोहली जब तक क्रीज पे रहेगा तब तक स्कोर कार्ड को सिर्फ चौके छक्कों में ही तोलेगा। अरे कोहली भाई, ज्यादा सूर्या कुमार बनने को रहने दो, जो बोला है वही कर दो, तो ये राहुल द्रविड़ तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जिस तरह से ये रोहित शर्मा फॉर्म में चल रहा है, उसके खेल को देखकर तो इस वर्ल्ड कप पर कब्जा हमारा ही दिख रहा है, लेकिन इस शेर के बच्चे का भरोसा तो एक गेंद का भी नहीं। अगर ये चल जाए तो क्या पता पावर प्ले में ही 100 रन ठोक दे, अगर नहीं चले तो क्या पता इससे खाता भी ना खुले। इसलिए कोहली भाई, आज पूरे हिंदुस्तान को तुम्हारे बल्ले से बड़ी आस है। अरे कोच साहब चिंता ना करो, आज रात को ये वर्ल्ड कप तुम्हारी झोली में होगा। माना कि सामने वाली टीम में डिकॉक, क्लासन और मिलर जैसे बल्लेबाज है, रबाडा और नोकिया जैसे खतरनाक गेंदबाज है, और उनका कप्तान एडम मार्करम खुद किस्मत का धनी है। लेकिन भाई किसी को घबराने की जरूरत ना है, हमारे पास भी रोहित जैसा दिलेर है, सूर्या जैसा सवा शेर है, पांड्या और अक्षर पटेल भी ऐसी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, अकेले के दम पे मैच का पासा पलट दें। फिर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव का तो किसी के पास तोड़ ही नहीं है। अरे भाई सूर्या कुमार, आज तो तुम भी कर दो ऐसा पलटवार, बता दो सभी को क्यों हो तुम T20 के नंबर 1 बल्लेबाज। अरे कोहली भाई, हम तो हर मैच में कर रहे हैं, लेकिन आज तो तुम्हारी बारी है। वैसे तो हमारी भी फुल तैयारी है, लेकिन अच्छा होगा हमें तो भाई आज अगर 16वें 17वें ओवर में आके बल्लेबाजी का मौका मिले, हम तो वहीं से 10-12 गेंद में 40-50 रन ठोक के स्कोर को 225 के पार करवा देंगे और टीम इंडिया को बिल्कुल एक तरफा अंदाज में वर्ल्ड कप जितवा देंगे। अगर हमारी इस प्लेइंग 11 में कहीं रिंकू सिंह एडजस्ट हो जाते फिर तो हमें किसी बात की चिंता ही ना थी, लेकिन भाई अब तो आखिरी मैच आ गया, उस बेचारे को कहां मौका मिलना था। अरे सूर्या भाई, तुम उसकी चिंता मत करो, उसको तो आगे और मौके मिल जाएंगे, एक बार तो तुम इस मौके का फायदा उठा लो। यह दक्षिण अफ्रीका इतनी भी गई गुजरी टीम ना है जितना तुम हल्के में ले रहे हो, कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो बाजी हाथ से फिसलते देर ना लगेगी। माना कि अफ्रीका वाले बड़ी मुश्किल से किस्मत के सहारे मर पड़ के फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन भाई इस बात को मत भूलो, टक्कर देने का पूरा दमखम रखते हैं, इसलिए पूरा सोच समझ के खेलना है, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं झेलना है। आज हर हिंदुस्तानी को तुम लोगों से बड़ी आस उम्मीद है। अरे कोच साहब चिंता मत करो, इन लोगों की दुआओं के सहारे तो हम यहां तक पहुंचे हैं, हमें तो आज भी पक्का यकीन है इन लोगों की दुआ करेगी काम और हम इस वर्ल्ड कप को करेंगे अपने नाम। इसलिए किसी खेल प्रेमी को घबराने की जरूरत ना है, सब जीत की दुआ करना, फिर हम जाने हमारा काम जाने, अपने आप लगा देंगे सामने वाले की अकल ठिकाने।